good morning students students I welcome you all in online study classes of Sky International School students today I am going to teach you lesson number five different ways of life in history already we have completed four chapters today I'm going to explain you lesson number five for that all of you open page number 39 take pencils in your hand and let's start with me come on the first heading is advent of the Aryans TK. By 1500 BCE, the Aryans belonging to Central Asia migrated to different parts of the world. क्या हुआ? 1500 BCE में before Christ थे राजो Aryans जो Central Asia से belong करते थे, वो uh, क्या किये migrate कर गए भारत के अलग-अलग uh, भाग में चले गए. The migration was probably because the pastoral lands of Central Asia became dry and barren. उनके migration का reason ये था कि जो सेंट्रल एशिया था वो उसका जो लैंड uh, था सेंट्रल एशिया का जो लैंड पार्ट था वो बहुत ड्राई एंड बैरन हो गया था और देयर वॉज एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन और ये एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पॉपुलेशन बहुत बढ़ गया हो द ग्रुप विच केम टू इंडिया कॉल द इंडो आर्यनस उस टाइम जो लोग भारत में आए उनको हम इंडो आर्यन बोले केम थ्रू द हिंदू कुश माउंटेन वो किसके थ्रू किस, किस रास्ते से आए हिंद कुछ माउंटेंस के थ्रू आए दैड लिमिटेड नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उनको जो कृषि है उसका बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था बहुत लिमिटेड नॉलेज था कम ऑन द नेक्स्ट हेडिंग द आर्यन सेटलमेंट भारत में देखते हैं उनका सेटलमेंट कैसा हुआ आफ्टर दियर अराइवल आर्यन सेटल इन द रीजन ऑफ द डिक्लाइन इंडस वैली सिविलाइजेशन अराउंड द रिवर इंडस इन पंजाब मतलब वो भारत में आने के बाद कहाँ सेटल होना शुरू किए रिवर इंडस के जो है आस पास पंजाब में जहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो रहा था वो वहीं पर सेटल होना शुरू किए this is proved by the fact that the river uh, Kurman, Kabul and other western tributaries of the Indus are mentioned in the Rigveda. ये इस बात से पता चलता है कि वो वहीं पे पंजाब के इंडस रिवर के पास आए क्योंकि जो रिग्वेद है उसमें उनका जो जहाँ वर्णन मिलता है वेदास में उसमें इन नदियों का जो ट्राइब्रीज है उनका वर्णन किया गया है इससे पता चलता है कि वो वहीं पे सेटल हुए ग्रेजुअली दे द रिवर गंगा वो वो फिर धीरे धीरे क्या किए गंगा की तरफ जो है मूव किए फाइनली फाइनली दे सेटल इन द रीजन बिटवीन रिवर गंगा एंड यमुना द एरिया नोन एज द गंगा यमुना डोव और फाइनली वो कहाँ सेटल हो गए गंगा और यमुना के बीच का रीजन जिसको हम गंगा यमुना डोव कहते हैं वहां पे वो सेटल हो गए द आय ब्रॉड विद डेम हॉर्सेज एंड चैरियॉर्स वो अपने साथ क्या लेके आए थे घोड़े और रथ लेके आए थे दे सब्जुगेटेड द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ द गंगा यमुना डोब एंड टू द्लैब्स एंडॉर्म ऑल द मैनुअल जॉब्स ठीक है वो उसके वशीभूत हो गए ठीक है ओरिजिनल जो वहाँ का इनहेबिटेंट्स था गंगा यमुना डोब था उसके वो वशीभूत हो गए एंड रिड्यूज देम टू स्टेटस ऑफ और जो मैन्यल जॉब्स करते थे उसके स्टेटस से उनको क्या किया रिड्यूज कर दिया गया आइए अब हम सोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं जिससे हमको पता चलेगा कि उनका जो लाइफ है वो कैसा था आ, अब हम तो सोर्सेज आपको मैं हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि दो तरह के सोर्सेज होते हैं एक हमारा लिटरेरी सोर्स होता है दूसरा हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्स होता है लिटरेरी सोर्स वो हैं जिनके रिटर्न अकाउंट्स जो है अवेलेबल हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं जो हमको खुदाई में मिलते हैं ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो थ्रू द लिटरेरी सोर्सेज दे रहा है यहाँ पे टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज आर अवेलेबल टू अस

अथर्ववेद। द ऋगवेदा कंसिस्ट ऑफ 1028 हाइम्स जो ऋग्वेद है उसमें क्या है 1028 भजन है दशाम वेदा इज मोस्टली अ रीअरेंजमेंट ऑफ द ऋग्वेदा फॉर अ म्यूजिकल रेंडरिंग क्या है ये जो साम वेद है वो रिग वेद का ही एक रीअरेंजमेंट है लेकिन जिसमें हाइम्स को एक म्यूजिकल uh, रेंडरिंग किया गया है एक तुकबंदी के साथ उसमें शो की कि प्रस्तुत किया गया है दा कम्प्राइज इज सेक्रीफाइजल प्रेयर्स इसमें सारे जो भी सेक्रीफाइज प्रेयर्स हैं वो हैं हमारे यजुर्वेदा में जितने भी सेक्रीफाइजल uh, जो भी हम बलि वगैरह देते हैं द अथर वेदा कम्प्राइज चार्स इनकेशन और द और द रेसिटेशन ऑफ द वर्ड्स और साउंड बिलीव टू है मैजिकल इफेक्ट इसमें जो वर्ड है वो चाम्स को शो करता है इनकेटेशन को शो करता है और इसका बड़ा मैजिकल इफेक्ट है ठीक है आइए आगे हम देखते हैं ब्रह्मनास के बारे में पढ़ते हैं ठीक है दीस टेक्स डिस्क्राइब सेच द हाइम्स मैं वेदास वर्ड टू बी यूज ठीक है इसमें भी सेक्रीफाइजल आइम्स को जो है वो इन टेक्स्ट को डिस्क्राइब किया गया है दे ऑल्सो एक्सप्लेन द रिमेनिंग सॉरी एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वेरियस सेक्रीफाइजल रिचुअल्स इसमें बहुत से सेक्रीफाइजल रिचुअल्स जो रीति रिवाज होते हैं उनको भी एक्सप्लेन किया, किया गया है उनके अर्थ को एक्सप्लेन किया गया है द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द ब्रह्माज इज द सतपथ ऑफ यजुर्वेदा ठीक है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कौन सा है सतपथ ब्रह्मनाज जिकल वर्क्स आर द एंड द उपनिषद दूसरे जो थ्योलॉजिकल सोर्सेज हैं वो अरण्यकाश और अपनि क्या है ये वेदों के ही अध्यात्मिक इंटरप्रिटेशन है ये जो उपनिषद और अरण्य कास है इसीलिए आर अज्यूम्ड टू बी देर कंक्लूजन पोर्सन इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं कि ये वेदास की कंक्लूजन है निष्कर्ष है, है ना तो उनका कंक्लूजन माना जाता है द वेदास गिव रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट लाइफ ऑफ द वैदिक एज अगर हम वेद को अच्छे से पढ़ें तो उससे हमको वैदिक एज के बारे में बहुत सी सूचनाएं है मिलती हैं अबाउट द डेली लाइफ ऑफ द पीपल वहाँ के लोगों के जो है डेली लाइफ के बारे में मिलती है द रिलीजियस बिलीफ्स एंड द रिचुअल्स उनके धार्मिक विश्वास के बारे में पता चलता है रिचुअल्स के बारे में पता चलता है सिंस द द आर वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्सिस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द आर्यन जो वेदाज है वो क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है जिससे हमको आर्यन के बारे में पता चलता है द पीरियड ऑफ आर्यन सेटल्ड इज नोन एज द वैदिक एज इस एज को वैदिक एज के नाम से ही जाना गया जिसमें जो आर्यन है वो सेंट्रल एशिया से भारत में आए और सेटल कर गए तो इसको

जो अनर्थित ये हमको के धार्मिक और सामाजिक के बारे में बताते हैं ऑफ़ जो भी पॉटरी हमको जो है गंगा वैली के आसपास मिले खुदाई में उसको हम क्या कहते हैं पीजी कहते हैं पेंटेड ग्रे वेयर कहते हैं ठीक है इट वॉज एट टाइम्स कंटेम्पररी टू द सक्सेसर ऑफ द ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी ऑफ द लेटर हरप्पा सिविलाइजेशन ये किस समय हमको मिले लिटल हरप्पा सिविलाइजेशन में जब ब्लैक एंड रेड वेयर फैट्री जिस टाइम में यूज होता था, था उसके ठीक बाद के ये पॉटरी है जिनको हम पी जी डब्ल्यू यानी कि पेंटेड ग्रे पॉटरी कहते हैं द पेंटेड ग्रे पॉटरी ग्रे वेयर पॉटरी वॉज फॉलोड बाई नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिस्ड वेयर इन द फाइव हंड्रेड पीसी उनको जो है फॉलो किया गया एन बी पी डब्ल्यू के द्वारा ठीक है नो कमऑन द नेक्स्ट पेज नंबर पेज नंबर फोर्टी वन इन अबाउट थ्री हंड्रेड बी पीपल स्टार्टेड मेकिंग आयरन टूल्स इन वेस्ट एशिया फिर क्या हुआ थ्री थाउजेंड बी में लोग क्या करने लगे आयरन टूल्स बनाने लगे आयरन वॉज हार्डर ज हमको पता है आपको भी पता है कि आयरन जो है वो ब्रॉन्ज और कॉपर से हार्ड एंड है सो मेनी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट सचैसे इसलिए क्या किया जाने लगा जो एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट थे खुदाल थी खुरपी थी हल था यह सब क्या किया जाने लगा आयरन से बनाया जाने लगा आयरन एक्सेस हेल्प मैन टू क्लियर डेंस जंगल्स एंड हेल्प इन द स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन ये जो आयरन एक्सेस थे उनका यूज किस लिए किया जाने लगा फॉरेस्ट को क्लियर करने में और फिर वहां पे सिविलाइजेशन स्प्रेड किया जाने लगा जंगल साफ होते गए और वहाँ पे लोग जा जा के रहते गए बसते गए ठीक है इन इंडिया आयरन इम्प्लीमेंट्स केम टू बी यूज फ्रॉम अबाउट वन थाउजेंड बी सी ई ठीक है वन थाउजेंड बी सी ई से भारत में आयरन इम्प्लीमेंट्स जो है वो क्या होने लगे आगे भारत में यूज होने लगे नाउ कम ऑन द लाइफ ऑफ द पीपल कैसा था उस समय के लोगों का जीवन जो सोशल है, लाइफ है जो पॉलिटिकल लाइफ है वो कैसा था वो हम यहाँ देखेंगे द आर्य लिव इन द ट्राइबल सेटलमेंट जो आर्यस थे वो ट्राइबल सेटलमेंट जनजातियों के सेटलमेंट में रहते थे ईच ट्राइब हैड मेनी विलेजेस अंडर इट हर ट्राइब्स का जो है हैड मेनी विलेजेस हर ट्राइब्स के अंडर में बहुत से गांव होते थे द कम्युनिटी वॉज रिफर्ड टू एज जना एंड द स्मॉल किंगडम्स दैट दे हैड वर नोन एज हर कम्युनिटी को जन कहते थे और उनके जो छोटे छोटे किंगडम्स हुआ करते थे उनको हम जनपद कहते थे जनपद दीज ट्राइब्स फॉर बैटल्स फॉर कैटल लैंड एंड वाटर दे यूज हॉर्स ड्रॉन चैरियट इन दिस बैटल हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि वो अपने साथ घोड़े और रथ लेके आए थे तो वो युद्ध में इसी का प्रयोग करते थे और युद्ध किस चीज़ के लिए होता था कैटल के लिए लैंड के लिए एंड वाटर के लिए ओके अ विलेज और ग्राम वॉज द स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या थी विलेज और ग्राम द ट्राइब्स इलेक्टेड अ किंग कॉल प्रोटेक्टेड हिज ट्राइब फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स एंड लुक्ड आफ्टर लॉ एंड ऑर्डर विद इन द विलेज राजा का क्या काम था राजा का काम ये था कि वो अपने ट्राइब्स को बाहर के अटैक से लोग दूसरे लोगों के अटैक से बचाता था और लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखता था अपने गाँव में ही वॉज असिस्टेड बाई द सेनानी और द कमांडर ऑफ द फोर्सेज द पुरोहित और द प्राइस एंड ग्रामीणी और दिलेज हेडमैन राजा होता था जो हेड होता था वो किसके द्वारा असिस्ट होता था कमांडर ऑफ द फोर्स को सेनानी कहते हैं सेनानी के द्वारा जो मंदिर का पुजारी होता था पुरोहित कहते हैं उसके द्वारा या ग्रामीणी जो विलेज हेडमैन होते हैं होता है, उसके द्वारा जो है उसको असिस्ट किया जाता था टू असेंबलीज दभा एंड द समिति एडवाइज द किंग ऑर और इम्पोर्टेंट मैटर सच एज वॉर जो दो समितियां हुआ करती थी दो असेंबली जिसको हम सभा और समिति कह सकते हैं ये राजा को क्या करती थी असिस्ट करती थी इम्पोर्टेंट मैटर सच एज वॉर जैसे युद्ध के बारे में द सभा कम्प्राइज सम पीपल सेलेक्टेड पीपल फ्रॉम द विलेज सभा में कौन आता था को चुने हुए लोग आते थे गाँव के और समिति में गाँव के सारे लोग आते थे इन द लेटर वैदिक एज द किंग बिकेम एन एबसल्यूट रूलर और फिर लेटर वैदिक एज में यह अर्ली वैदिक एज का था

अश्वमेध करता, या या करता था अपने शक्ति के प्रदर्शन के लिए द किंग वॉज असिस्टेड बाई अनादर मिनिस्टर राजा जो था उसको और भी मिनिस्टर्स जो है वो क्या करते थे आ, असिस्ट करते थे जैसे उसमें कौन कौन है संग्रहित्री है who called हु कलेक्टेड टैक्स जो टैक्स कलेक्ट करता है द स्ट्रक्चर ऑफ द सभा समिति ऑल्सो चेंज्ड जो लेटर केस था उसमें क्या हुआ जो स्ट्रक्चर था सभा और समिति का वो भी धीरे धीरे चेंज हुआ दे बिगैन टू बी डोमिनेटेड बाई ब्राह्मण्स क्या हुआ अब धीरे धीरे ब्राह्मण्स जो है वो डोमिनेट हो गए वुमेन वर नो लॉन्गर अलाउड टू बिकम देअर मेम्बर्स और जो महिलाएं थी पहले तो गाँव के सारे लोग हुआ करते थे समिति में लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि महिलाओं को इसका जो है हिस्सा नहीं बनाया मतलब धीरे धीरे महिलाओं को उसमें से निकाला गया आइए सोशल लाइफ देखते हैं कैसा था आर्यंस का द आर्यन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इन टू फोर ग्रुप्स बेस्ड ऑन ग्रुप्स आर ऑक्यूपेश वर्नाज, वर, वर्नाज वर। देखिए जो सोशल लाइफ था व्यक्ति के काम के आधार पे गांव को जो है लोगों को कुछ सोशल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया इसको वर्ण कहा गया ठीक है अब हम देखते हैं वो क्या है सबसे पहला था एक ब्राह्मण हम जानते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र ब्राह्मण्स कौन थे ब्राह्मण और द प्राइज एंड टीचर हू परफॉर्म रिलीजियस सेरेमनीज ये ब्राह्मण कौन थे या प्राइस जो धार्मिक पूजा पाठ आदि का काम करते थे उनको ब्राह्मण कहा गया क्षत्रिय कौन थे छत्रियर द वॉरियर्स हुट टू प्रोटेक्ट द पीपल जो युद्ध में युद्ध वगैरह लड़ते थे जो लोग बहुत ही शक्तिशाली थे उस टाइम उनको क्षत्रिय कहा गया वैश्य और द फार्मर्स क्राफ्टमैन शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स इन तरह इस तरह के लोगों को वैस्य कहा गया और शूद्र में देखिये कौन आता है शूद्राज

Uh, वो जो है उनके व्यवसाय पे निर्भर के आधार पे था हाउ एवर इन बिकम पीरियडेट्री और धीरे धीरे लेटर वैदिक एज में क्या हुआ hereditary हो गया शूद्र का बच्चा शूद्र ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण क्षत्रिय का बच्चा क्षत्रिय फॉर एग्जाम्पल अ ब्राह्मण सन और डॉटर वुड ऑलवेज बी अ ब्राह्मण एज अ रिजल्ट द कास्ट सिस्टम बिकेम रिजिड इस तरह क्या हुआ कास्ट सिस्टम धीरे धीरे बहुत रिजिड हो गया आइए अब हम देखते हैं फैमिली कंडीशन क्या है आर्यस की फैमिली द लिव्ड इन अ घर का जो पुरुष हेड होता था वो सारे निर्णय लेता था दे वे आर सपोज टू सर्व देअर मेल रिलेटिव हाव वेवर वुमन वर ऑल्सोल्ड इन ग्रेट रिस्पेक्ट एंड वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन ऑल रिलीजियस सेयर हजबेंड्स महिलाओं को भी बहुत सम्मान मिलता था और सारे रिलीजियस सेरेमनीज में वो अपने पति के साथ उपस्थित भी होती थी देर वेर नो रिस्ट्रिक्शन्स ऑन मैरिज बिटवीन द सोशल ग्रुप्स कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था सोशल ग्रुप्स के मैरिज के बीच में म्यूजिक डांसिंग चैरियॉट रेसिंग गैम्बलिंग एंड द गेम ऑफ डाइस फॉर द चीफ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन मनोरंजन के मुख्य साधन में क्या क्या था संगीत था नृत्य था रथ का रथ तोड़ का जो होता था वो था गैम्बलिंग लोग जुए भी खेलते थे एंड मनोरंजन के मुख्य साधन थे अर्ली वैदिक एज पशुपालन और कृषि जो है वो मेन ऑक्यूपेशन था व्यवसाय था अर्ली वैदिक एज का अदर ऑक्युपेशन इंक्लूड हंटिंग पॉटरी स्पिनिंग वेबिंग कार्पेंट्री मेटल वर्क एंड लेदर वर्क और इसके अलावा जो दूसरे व्यवसाय थे वो क्या थे शिकार करना बर्तन बनाना धागे काटना वेविंग बुनाई करना कारपेंटरी लकड़ी से चीजें बनाना मेटल वर्क लोहार का काम करना लेदर वर्क चमड़े का, का काम करना ठीक है बार्ले व्हीट राइस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वर ग्रोन आ, ग्रोन ये सब चीजें उगाई जाती थी वुडन प्लाउ ड्रॉन बाई ऑक्सन वर यूज इन द फील्ड और खेत में क्या होता था जो बैल थे वो खेत में हल चलाते थे लकड़ी के काउस हॉर्सेज डॉग्स शीप गोट एंड ऑक्सन है काउ वॉज कंसीडर्ड सेक्रेट क्या होता था गाय घोड़े डॉग्स को भेड़ को बकरी को और बैल को वो क्या करते थे पालते थे और उनका यूज भी करते थे और गाय को बहुत ही कंसीडर्ड सेक्रेट उसको बहुत ही सम्मान दिया जाता था बहुत ही उनको सेक्रेड माना जाता था पवित्र माना जाता था एपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर क्राफ्ट डेवलप ड्यूरिंग द लेटर वैदिक एज कृषि के अलावा जो लेटर वैदिक एज था वहां पे बहुत डेवलपमेंट हुआ का भी द एक्सपर्टीज इन दर्टीज लेदर वर्क पॉटरी ज्वेलरी डिजाइनिंग एंड कार्पेंट्री इम्प्रूव इस टाइम में ये सब चीजें भी जो थी वो बहुत इंप्रूव हुई पॉटरी का वर्क लेदर वर्क वेविंग बहुत इम्प्रूव हुआ विद द डिस्कवरी ऑफ आयरन एग्रीकल्चर टूल्स वेपन वर मेड चूकी लोहे का आविष्कार हो गया था तो बहुत से एग्रीकल्चर टूल्स और हथियार जो है वेपन्स जो हैं युद्ध के जो वेपन्स थे वो लोहे के ही बनाए गए ट्रेड फ्लोरिस्ट एंड विलेज सेटलमेंट्स डेवलप्ड इन टू टाउन धीरे धीरे व्यवसाय आगे बढ़ा ट्रेड आगे फ्लोरिश हुआ और गांव का सेटलमेंट हुआ अलग अलग गांव के सेटलमेंट के साथ साथ जो छोटे छोटे कस्बे थे उनका भी डेवलपमेंट हुआ अब हम देखते हैं ड्रेस जो आर्यन थे वो कैसे ड्रेसेस को पहनते थे द ड्रेसेज ऑफ आर्यन वॉज सम सिमिलर टू दैट ऑफ द हरप्पन्स लगभग हरप्पन से मिलते हुए ही इनके ड्रेसेज थे वुल एंड कॉटन वर यूज टू मेक गार्मेंट्स कपड़े बनाने के लिए वुल एंड कॉटन यूज होता था मैन वर धोतीज एंड टर्बन वाइल वुमेन वर साड़ीज लोग जो पुरुष वर्ग था वो धोती और पगड़ी पहनता था जबकि महिलाएं साड़ी पहनती थी बोथ मैन एंड वुमेन वर ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आदमी औरत सभी जो है वो सोने के और चांदी के जेवर पहनते थे आइए रिलीजियस रिलीजन देखते हैं उनका धर्म के बारे में हम पढ़ते हैं द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्शिप वर देवास और गॉड्स जो मेनली वो किसकी पूजा होती थी मेन ऑब्जेक्ट्स जो है देवास एंड गॉड्स द गॉड्स ऑफ द अर्ली वैदिक वेज वर मोस्टली मेल एंड वर मेनली कनेक्टेड विद द स्काई जो वैदिक एज में जिन लोगों की भगवान की पूजा करते थे वो मैक्सिमम मेल पुरुष वर्ग के ही हुआ करते थे और वो किससे कनेक्टेड थे वो मतलब स्काई से आसमान से कनेक्टेड थे द आर्यन वर्शिप वेरियस फोर्स ऑफ नेचर बिकॉज दे वॉन्टेड प्रोटेक्शन फ्रॉम द नेचुरल डिजास्टर क्या था जो आर्यन थे वो नेचुरल चीजों की ही पूजा करते थे को भगवान मानते थे क्योंकि वो अपने आप को हमेशा नेचुरल डिजास्टर यानी कि प्राकृतिक आपदा से बचाना चाहते थे द इम्पॉर्टेंट गॉड्स वर इंद्र द वॉरियर गॉड सबसे इम्पोर्टेंट जो देवता थे देखिए इंद्र थे जो युद्ध के देवता माने जाते हैं द गॉडेस ऑफ द अर्थ अदिति गॉडे ऑफ द अर्थ मदर ऑफ द गॉडेस अदिति द मदर ऑफ द गॉडेस सॉरी यहां से देखते द इमोर्टेंट गॉडेस वर इंद्र द वॉरियर गॉड अग्नि द गॉड ऑफ फायर अग्नि की पूजा होती थी जिसको हम आग के लिए मानते हैं वरुण द स्काई गॉड

ड्रिंक करते थे हाउ एवर नाइद इमेजेस वर्शिप वर्शिप प्रिवलेंट उस समय कोई मंदिर नहीं था किसी चीज़ की पूजा किसी फोटो या मूर्ति की पूजा नहीं की जाती थी द आर्य वर्शिप इन द ओपन ऑफरिंग प्रेयर्स मेकिंग सेक्रीफाइस एंड सिंगिंग हाइम्स वो खुले जगहों में पूजा करते थे बलि चढ़ाते थे और अपने भजन को गाते थे द रिग्वेदा हैज मेनी प्रेयर्स फॉर द कैटल एंड हॉर्सेज मेनी हाइम्स ऑफ द आर डेडिकेटेड टू सोम दे हैव है प्लेस्ड इन द सेपरेट बुक कॉल्ड मंडला ठीक है अगर हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो उसमें बहुत से प्रेयर्स हमको मिलेंगे जो पशुओं और घोड़ों से मिलते के लिए हैं और बहुत से ऐसे ऋग्वेद में हाइम्स हैं जो सोमदेव को डेडिकेट किए गए हैं तो दे हैविन प्लेस इन अ सेपरेट बुक इन सब हाइम्स को अलग बुक में सेपरेट uh, बुक में कलेक्ट कर दिया गया जिसको है जिसको हम मंडला कहते हैं इन द लेटर वैदिक एज पीपल बिगैन टू वर्शिप न्यू गॉड सच एज ब्रह्मा क्रिएटर लेटर ये सब अर्दिक थे लेटर वैदिक की पूजा करने लगे द क्रिएटर जो इस पृथ्वी की संरचना का आधार माना जाता है विष्णु द प्रोटेक्टर विष्णु को यह मानते हैं कि वो हमारी रक्षा करते हैं एंड शिव द डिस्ट्रॉयर ठीक है रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेज बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड were performed elaborately. Special occasions such as म इलेबोरेटलीकेजन सच एज द बर्थ ऑफ़ दाइल्ड और द मेरेज वेट विदिमनीज किसी बच्चे का जन्म होना या किसी की शादी को बहुत अच्छे से धूमधाम से मनाया जाने लगा प्राइस क्लोथ काउज एंड हॉर्सेज लोग क्या दान में देते थे पुजारियों को पुरोहित को आ, सोने के मतलब गिफ्ट देते थे कपड़े देते थे गाय और घोड़े भी दिया करते थे आइए अब हम देखते हैं एजुकेशन के बारे में कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन द अर्ली एंड लेटर पैदिकेज

The student who is returned served his teacher and helped out with his household task. Jo गुरु थे वो बच्चों को पढ़ाते थे और बदले में बच्चे क्या करते थे उनकी मदद करते थे उनकी सेवा करते थे और हाउस होल्ड वर्क में उनकी मदद करते थे मच ऑफ द वैदिक कल्चर हैज सर्वाइव टिल टुडे अभी भी अगर हम देखें कि वैदिक कल्चर अभी भी आज तक सर्वाइव कर रहा है फॉर द हिंदूज द वेदाज एंड द उपनिषद आर स्टिल सेक्रेट अभी भी हम वेद को और उपनिषद को बहुत ही पवित्र मानते हैं द संस्कृत वॉज द संस्कृत वी यूज टूडे ओरिजिनेटेड इन द वैदिक पीरियड अभी भी जो हम संस्कृत यूज़ करते हैं वो वैदिक काल में ही उसकी उत्पत्ति हुई थी टू अ लार्ज एक्सटेंड मोस्ट ऑफ द इंडियन लैंग्वेज ट्रैक देअर ओरिजिन टू संस्कृत अभी भी हम देखें तो एक बहुत बड़े उसमें जो भाषा की उत्पत्ति है वो संस्कृत से ही हुई है हेंस द वैदिक एज होल्ड अ प्रोमिनेंट प्लेस इन इंडियन हिस्ट्री इसलिए भारत के इतिहास में वैदिक काल का अपना एक बहुत ही विशेष महत्व है आइए अब हम देखते हैं कैलकोलिथिक कल्चर पैरल टू द वैदिक एज इन नॉर्थ एंड द कैलकोलिथिक एज इमर्ज इन दिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड काश्म एकदम जो उस पैर वैदिक एज के पैरलर ही था कैलकुलेटिकज ये जो है धीरे 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 कहाँ पे इमर्ज हुआ टेकन नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड काश्मीर इट वॉज अ नॉन अर्बन नॉन हरपन कल्चर विच केम अपराउंड टू थाउजेंड बी सी एंड ग्रेजुअली टेकन ओवर बाई द आयरन एज फिर क्या हुआ धीरे धीरे ये जो है ये जो कैलकुलेटिक कल्चर था ये एक नॉन अरबन नॉन हरप्पन कल्चर था जो धीरे धीरे क्या हो गया टू थाउजेंड बी सी ई में मतलब ये आया एंड वॉज ग्रेजुअली टेकन ओवर बाई आन एज द कैलकुल पीपल न्यू फायर वो आग के बारे में जानते थे मेड हाउसेज ऑफ द वर्ल्ड घर बनाना जानते थे कि मतलब मिट्टी से और उससे परफॉर्म फायर वर्से गाय मतलब आग की पूजा करते थे एंड लिव इन क्लस्टर्स और ग्रुप में झुंड में रहते थे मेनी फायर एलर्ट्स हैलकुल्स लाइक चंदौली इन महाराष्ट्र बहुत ही फायर एलर्ट साइट्स भी हैं खुदाई में मिले हुए हैं मीनी फायर अलर्ट्स हैव बीन एक्सक्यूटेड खुदाई में मिले हुए हैं वहाँ पे जो इस बात का वो करते हैं कि मतलब वो आग के बारे में जानते हैं आग की पूजा भी करते हैं ये कहाँ पे मिले हैं चंदौली महाराष्ट्र में दे ऑल्सो बरीड देयर डेड इन अ प्रॉपर मैनर एलॉन्ग विद देयर वेरियस ऑब्जेक्ट्स मतलब वो लोग क्या करते थे अगर कोई मर जाता था उस टाइम में तो उसको प्रॉपर वो जो है उसको मतलब उसको दफनाते थे उसके चीज़ों के साथ रिच पीपल वर बरीड विद डाइवर्स एंड प्रीसियस ऑब्जेक्ट्स एंड पुअर वर वरीड विद अ फ्यू सिंपल ऑब्जेक्ट्स जो अमीर लोग होते थे उनको वो उनकी जो मतलब कीमती चीज़ें हैं उनके साथ दफनाते थे और गरीब लोगों के पास जो चीज़ें होती थी सिंपल ऑब्जेक्ट्स उसके साथ अपना मतलब दफनाते थे फॉर एग्जाम्पल ए स्केलेटन वॉज फाउंड इन ब्रह्मगिरी विद गोल्ड बीट स्टोन बीट्स कॉपर बैंगल्स कॉन्ट सेल्स एक्सेट्रा वेयर एज अदर आर फाउंड विद जस्ट अ फ्यू पॉट्स मतलब क्या हुआ खुदाई में जब कुछ स्केलेटन्स को निकाला गया तो देखा गया कि उनमें बहुत प्रीशियस स्टोन्स हैं गोल्ड हैं सिल्वर हैं कुछ हम, शेल्स हैं बल्कि दू, और जो दूसरे स्केल्टन मिले वो केवल कुछ जरूरी सामान के साथ थे तो ये मान लिया गया कि लोगों को उनके मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग जो दफनाते थे तो उनके इम्पॉर्टेंट चीजों को उनके साथ बड़ी कर देते थे आइए अब देखते हैं मेगालिथिक ब्यूरियल्स के बारे में हम देखते हैं अब मेगालिथ इज अ ग्रेव और अ मेमोरियल फॉर डेड पीपल ठीक है ये क्या होता था वो बना देते हैं ना हम लोग ग्रेव बना देते हैं ना कब्र वही है अवॉर्ड मेगा कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स ये दो ग्रीक वर्ड्स से बने हैं मेगा मीनिंग बिग एंड लिथ्स मीनिंग स्टोन बड़े स्टोन मेगा फॉर मीन्स बिग और अ लार्ज स्टोन ठीक है बड़ा पत्थर मेनी टाइप्स ऑफ इंडिया हैव बिल्ट वेरियस मेगा स्ट्रक्चर इन्स न्योलिथिक एंड एज बहुत से जो है मेगालिथ्स बने हैं वह और निथिकलकुल एजेस में द मेगालिथ्स वर ब्यूरियल्स इन ग्रेवयार्ड अवे फ्रॉम द एरिया वेयर पीपल लिव जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ से दूरी ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान में ये जो ब्यूरियल्स हैं ये मेगालिथ्स हैं ये बनाए जाते हैं ठीक है मेगालिथ्स लिथ्स है वेरियस शेप एंड फॉर्म्स ये जो मेगालिथ्स होते हैं कब्र होते हैं इनके अलग अलग शेप्स और फॉर्म्स होते हैं दीज शेप्स एंड फॉर्म्स मे हैव बीन यूज्ड बाय डिफरेंट ट्राइब्स फॉर डेड पीपल अकॉर्डिंग टू देअर हैरिकी इन इम्पोटेंस ऑफ और टू शो डिफरेंट कॉज ऑफ़ द डेथ ठीक है ये मेगालित्स जो है इनके शेप अलग अलग होते हैं ठीक है और ये उनके हरिकी के अकॉर्डिंग बनाए भी जाते हैं कभी कभी जो उनका जीवन कैसा था वो किस तरीके से मरे या फिर और भी अदर बिलीवस होते थे जिसके अकॉर्डिंग जो है मेगालित्स का शेप और फॉर्म दिया जाता था मेनी मेगालित्स ब्यूरियल्स हैव बिन फाउंड इन महाराष्ट्र अराउंड नागपुर बहुत से मेगालित्स ब्यूरियल हमको महाराष्ट्र के नागपुर के पास मस्की कर्नाटका तो पेज नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश आदिचन्नौला आदिचन्नालोर तमिलनाडु एंड केरला में मिलते हैं बहुत से मेघालित्स हमको यहाँ पे देखिए मेघालित टॉम्ब मेयर ब्रांच बेरिटनी यहाँ पे भी दिखाया गया है कुछ द मेगा शो अ वेरायटी ऑफ मेथड्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ द डेड बॉडीज ये दिखाते हैं मेगा अलग अलग मेगा शो करते हैं कि कैसे अलग अलग तरीके से जो है डेड बॉडीज को डिस्पोज किया जाता है इन सम केसेज द बोन्स ऑफ द डेड वर्क कलेक्टेड इन लार्ज अर्न एंड बरीड इन अ पिट बहुत से केसों में तो ये भी पाया गया है कि जो हड्डियाँ होती हैं उनको एक बहुत बड़े अर्न में रख के

यहाँ पे कुछ गुड टू नो दिया हुआ है आप इसको पढ़ लीजिएगा ठीक है वर्णाश्रम के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्णाश्रम अ मैन लाइफ वाज डिवाइडेड इनटू फोर स्टेज मैं यहाँ पे देखिए ब्रह्मचर्य दिया है गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम वान आश्रम और संन्यास आश्रम आप इसको पढ़िएगा जितना भी गुड टू नो बुक्स में दिया हुआ है आप उसको पढ़ेंगे ये होमवर्क है और ये एक केस स्टडी दिया हुआ है इस केस स्टडी को पढ़ेंगे ओके स्टूडेंट्स द चैप्टर इज ओवर यू ऑल जस्ट रिवाइज इट Still your home and stay safe. Thank you, students.